वेलकम बैक अब्रीवान वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी नाइन्टी एट टेस्ट कम्प्लीट हो गए हैं यू पी पी सी एस के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर नाइन्टी नाइन और टेस्ट नंबर वन से लेकर आप नाइन्टी नाइन तक प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं दो से तीन सेकेंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सिविल सर्विस स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर करिए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दो स्टेटमेंट है बताइए कौन सा करेक्ट है ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था एस चंद्रशेखर को नक्षत्र प्रौद्योगिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था ब्लैक होल बिल्कुल एस चंद्रशेखर ने किया था करेक्टर पहला वाला स्टेटमेंट और एस चंद्रशेखर को नक्षत्र प्रौद्योगिकी के लिए नोबल पुरस्कार मिला सी है इसका आंसर तो बात करें ब्लैक होल की ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से जो है बचकर नहीं जा सकता भारतीय अमेरिकी खगोल सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यानी एस चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किया था इसलिए वो प्रसिद्ध हैं उनके सिद्धांत के अनुसार सफ़ेद बोने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते अंततः वे ब्लैक होल बन जाते हैं ठीक है थीके? उन्होंने बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से एक दशमलव चार चार गुना अधिक हो जाता है वह अंततः सिकुड़कर बहुत भारी हो जाते हैं इस योगदान के लिए उन्हें उन्नीस में कब 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था क्वेश्चन नंबर पर आ जाइए अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध हैं वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध हैं क्यों प्रसिद्ध हैं न्यूट्री न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए नहीं प्रथम नाव के रेक्टर बनाने के लिए नहीं हाइड्रोजन की परमाणु संरचना की व्याख्या करने के लिए भी नहीं फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव यह प्रश्न यूपी पी का बड़ा फेवरेट प्रश्न था ग्यारह से लेकर सोलह तक बहुत पूछा गया है सवाल तो देखिए वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की है इस कार्य के लिए उन्हें 1921 में फिजिक्स का नॉबल मिला था क्वेश्चन नंबर थ्री पर आ जाइए अल्बर्ट आइंस्टाइन निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र बजाने में निपुण थे इस तरह के उट पटांग प्रश्न जो है रेलवे में बड़े पूछे जा रहे हैं आजकल ठीक है लेकिन यू पी पी सी एस भी डेढ़ सौ में से कम से कम चार से पाँच प्रश्न ऊटपटांग ही रहते हैं उसके अब या तो उनको छोड़ दो वैसे तो वन थर्ड की माइनस मार्किंग है फिफ्टी फिफ्टी लग रहा है तो उसको कर दो तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो वायलिन बजाते थे और पियानो भी बजाते थे पियानो तो यहाँ है नहीं तो सी हो जाएगा इसका आंसर तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक पियानो और वायलिन बजाने में निपुण थे क्वेश्चन नंबर फोर पर आ जाइए मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था बहुत ही पुराना करंट है लेकिन एक तरह से इस तरह के प्रश्न हिस्ट्री जैसे बन जाते हैं इतिहास बन जाते हैं कि मधुमक्खियों की भाषा क्या कहती है मधुमक्खी जब भिन भिनाती हैं तो ठीक है उसको जान लिया किसी मनुष्य ने और उनके लिए उनको नोबल पुरस्कार दिया गया उसका नाम क्या है के वी फृश्क क्या है के वी फ्रृश्क तो मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए के वी फ्रिश्क को नाइनटीन सेवनटी थ्री उन्नीस सौ तिहत्तर में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था मिला था मतलब क्वेश्चन नंबर पाँच पर आ जाइए निम्नलिखित से किसकी स्मृति में अट्ठाईस फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है यहाँ दो प्रश्न बन जाते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है अट्ठाईस फरवरी को मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है ये रमन प्रभाव दिवस है इस दिन तो भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी जिसके लिए उनको 1930 में भौतिकी के नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए इसके आविष्कार की तिथि 28 फरवरी को हर साल राष्ट्र विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं तो रमन इफेक्ट किसका है सी रमन का है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट किसका है अल्बर्ट आइंस्टाइन क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आ जाइए भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक हैं होमी जहांगीर भाभा तो होमी जहांगीर भाभा भारतीय भौतिकी हाँ भारतीय नाभिकीय भौतिक शास्त्री थे इन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है याद रखिएगा निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है कौन है इनमें से फिजिक्स के हो गए परमाणु के हो गए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस पौधों में ही जीवन बताने वाले तो जगदीश चंद्र बोस भारत के थे प्रख्यात भौतिकविद, जीव और वनस्पति विज्ञानी इन्होंने रेडियो एवं माइक्रोवेव सिग्नल के विषय में अनुसंधान के साथ वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने विभिन्न उद्दीपनों के विरुद्ध पौधों की प्रतिक्रिया मापने के लिए कैस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया था कैस्कोग्राफ किसने खोजा जगदीश चंद्र बोस ने क्या करता है कैस्कोग्राफ विभिन्न उद्दीपनों के विरुद्ध पौधों की प्रतिक्रिया मापता है क्वेश्चन नंबर एट पर आ जाइए भारत में बम के विकास में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था अणुबम्ब के विकास में कौन संबंधित है बताइए होमी जहांगीर भाभा नहीं फिर ए पी जे अब्दुल कलाम ये भी नहीं है राजा रमन्ना ऑप्शन नंबर सी तो देखिए भौतिक विज्ञानी डॉक्टर राजा रमन्ना 1974 में भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के मुख्य सूत्रधार रहे वह विखंडन भौतिकी के विकास से संबंधित थे और वह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक एवं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे क्वेश्चन नंबर नाइन निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है किसको नहीं मिला इनमें से नोबेल प्राइज सी बी रमन को तो मिला रमन इफेक्ट के लिए एस चंद्रशेखर को भी मिला है ब्लैक होल के लिए डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को भी मिला है जेनेटिक कोड के लिए नहीं मिला तो जगदीश चंद्र बोस को तो हरगोविंद खुराना को मिला है उन्नीस में चिकित्सा के क्षेत्र में सी रमन को फिजिक्स का मिला है उन्नीस में और एस सुब्रमण्यम यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एस चंद्रशेखर या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को उन्नीस में फिजिक्स का नोबल मिला है लेकिन जगदीश चंद्र बोस को नोबल पुरस्कार जो है नहीं मिला है क्वेश्चन नंबर दस है डॉक्टर हरगोविंद हर्ग, खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था इनको प्रोटीन के संश्लेषण के लिए ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष उन्नीस में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्लू कौम नीरेन और रॉबर्ट डब्लू होली के साथ नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनके द्वारा किए गए अनुसंधान से यह पता लगाने में मदद मिली कि कोशिका के अनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक एसिड में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं ठीक है तो बाद प्रोटीन संश्लेषण भी लिखी हो सकती है जैसे यहाँ लिखी थी कहीं कहीं आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन नंबर ग्यारह पर आ जाइए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अभी कम्युनिटी टैब में प्रश्न पूछा है मैंने आपसे ये पुणे में स्थित है तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1950 में देखा जाए तो 50 50 100 मतलब 220 170 साल हो गए 170 नहीं 70 साल हो गए यह पुणे में स्थित है और यह है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रयोगशाला है इक्कीसवा साल शुरू हो गया इकहत्तरवा क्वेश्चन नंबर बारह पर आ जाइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे यह वॉस्टॉक प्रथम नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे वो थे कहाँ गए ये अमेरिका नहीं फिर सोवियत संघ रूस के थे ये बिल्कुल वॉस्टॉक प्रथम से गए थे दोनों के दोनों करेक्ट हैं सी है इसका आंसर तो वह चौदह अप्रैल 1961 का दिन था जब बोस्टॉक प्रथम नामक अंतरिक्ष यान से एक अंतरिक्ष यात्री ठीक है उसका नाम था यूरी गागरिन उनको अंतरिक्ष में भेजा गया था सोवियत संघ रूस के थे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी मतलब उस महिला का नाम बता दीजिए जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गई थी जैसे यूरी गागरिन गए रूस के तो कौन थी बछेंद्री पाल का तो सबको पता जो को तंबई का भी सबको पता इन दोनों में से बताइए कौन सा आंसर है वैलेंटिना तेरेस्कोबा ये भी रूस की थी और बोस्टोक प्रथम से वो गए थे ये बोस्टोक सिक्स से गई थी तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस के यूरी गागरिन है जबकि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री रूस की वेलेंटीना तेरेस्कोबा है बोस्टोक सिक्स मिशन उन्नीस जो गया था उसमें गई थी ये अंतरिक्ष में ठीक है वेलेंटीना तेरेस्कोबा और गौरव प्राप्त किया पूरे रूस ने क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पर आ जाइए पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है पुच्छल तारे सूर्य की ओर नहीं होती सूर्य से दूर की ओर होती है ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर तो सौरमंडल सौरमंडल छोर पर विद्यमान छोटे छोटे अरबों पिंड या धूमकेतु या पुछल तारे कहलाते हैं ठीक है अब देखिए ये जो होते हैं वो गैस और धूल का संग्रह हैं ये जो पिंड हैं या धूमकेतु हैं या पुछल तारे हैं इनकी पूँछ हमेशा सूर्य से जो है दूर दिखाई देती है ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अंतिम प्रश्न ये भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा अधिक लंबा अधिक छोटा गोलाकार वही रहेगा भारहीनता की अवस्था यानी माइक्रोग्रेविटी में मोमबत्ती की, की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा तो अति सूक्ष्म गुरुत्व अवस्था यानी माइक्रोग्रेविटी या भारहीनता की अवस्था में किसी मोमबत्ती के ज्वाला का आकार जो है गोलाकार हो जाएगा ऐसे चलेगी इसको लंबा लगा के गलत मत कर देना तो पंद्रह प्रश्न थे इंपॉर्टेंट इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना सिविल सर्विसेज स्टडी के साथ में यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर दिन लाभ उठाते रहिए धन्यवाद